हेलो दोस्तों, कंप्यूटर की नेक्स्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये सीरीज हमारी 4 नंबर रहने वाली है, तो इसमें देखते हैं कंप्यूटर के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस राजस्थान पुलिस के जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप 31 नंबर स्टार्ट करते होंगे, 30 क्वेश्चन नंबर करा दिए हैं। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो वो करती है सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम माइक्रो चिप कहते हैं। उसे हम जो माइक्रो कंप्यूटर के जो मस्तिष्क होता है उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो चिप कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस्ड किया गया परिणाम क्या कहलाता है? तो वो एक प्रकार का आउटपुट कहलाता है, वो हमें आउटपुट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनपुट का आउटपुट पर रूपांतर किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है सीपीयू के द्वारा, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोसेस डाटा किसको कहते हैं? तो जो जितना भी प्रोसेस होता है उसको प्रोसेस डाटा कहते हैं। क्वेश्चन से आपको साफ हो गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब राजस्थान का हर एग्जाम के लिए KGA विद अन अकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना है। और यहाँ पे RPSC एग्ज़ाम के लिए चल रहा है, 10% ऑफ हमारा रेफरल कोड जरूर यूज़ कीजिएगा। साथ में यहाँ पे चल रही है RS की फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, विजेता RS तो यहाँ पे 1 नंबर रैंक को मिलेगा, 75% स्कॉलरशिप 2 साल के लिए, तो इसका फ़ायदा आप जरूर उठाएं। साथ में आपको यहाँ पे मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन पर इन सारे फीचर्स को आप प्लस फीचर्स के द्वारा जो है अपडेट कर सकते हो। इसी के साथ में आप RPSC ग्रेड फर्स्ट का जो है टीचर एग्जाम का कोर्स ले सकते हो। यहाँ पे RPSC फर्स्ट ग्रेड पेपर 1 का फ्री टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। साथ में सेकंड ग्रेड का भी कोर्स ले सकते हो। यहाँ पे भी आपको जो है सेकंड ग्रेड पेपर फर्स्ट के लिए आपको फ्री टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो जाएगी, जिसमें भी आपको जो है स्कॉलरशिप अवार्ड मिलेंगे। इसी के साथ आप राजस्थान वीडियो और राजस्थान पटवार का भी जो है कोर्स यहाँ से अपडेट कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। साथ में यहाँ पे आपको राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल और राजस्थान वनबल और अनारक्षक की तैयारी कराई जा रही है अन अकेडमी पर। साथ में यहाँ पे आपको मिलेंगे अन अकेडमी के बेस्ट कोर्सेज। साथ में आपको मिलेंगे देखिए जैंथ का इंग्लिश मीडियम का और संकल्प कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन 2022 का मॉक टेस्ट। और अन अकेडमी में आपको करवाई जा रही है राजस्थान रीड लेवल 1 और रीड लेवल 2 की साइंस और मैथ के लिए बेहतरीन तैयारी। और साथ में यहाँ पे रीड लेवल 2 और रीड लेवल 2022 की फ्री प्रैक्टिस मिल जाएंगी, जिसका फायदा उठा के आप जो अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। और अन अकेडमी में भी चल रहे हैं इतने सारे कोर्सेज, बस आपको जो है हमारा रेफरल कोड यूज़ करना, और 10% जो है अनलॉक करके आपको कॉम्बो ऑफर भी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। तो जल्दी से अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इनके टेलीग्राम और यूट्यूब पर भी जो है जुड़ जाइए। धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा होता है, मुख्य चीज़ कौन सी होती है? तो सीपीयू की जो सबसे मुख्य चीज़ होती है वो कंट्रोल यूनिट भी होती है, मेमोरी भी होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होती है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है? जो मंडराने क्षमता कितनी होती है? वो निम्न होती है, उच्च होती है, सीमित होती है, सीमित होती है? तो वो होती है सीमित, एक प्रकार की लिमिटेड जो है क्षमता होती है। आप उसे अपने अनुसार जो है कस्टमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि का संज्ञा दी गई है? तो एक प्रकार की कृत्रिम, यानी कि बनाई गई है मानव के द्वारा, उस प्रकार की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में किस प्रकार से होती है? तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, यानी कंप्यूटर बहुत तेज गति से कार्य करता है, मशीनरी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति सबसे अधिक होती है? तो बिल्कुल मानव मन की होती है, क्योंकि मानव मन ही ने ही जो कंप्यूटर बनाया है। तो ऐसे में आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इसी प्रकार की और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए। और कुछ भी डाउट हो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा।